क्या होगा, 800 डिग्री गर्म हमर को, -200 डिग्री ठंडा हमर को और एक नॉर्मल हमर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दे। ये तो हम सब जानते हैं, हमर बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ देती है, लेकिन एक गर्म हमर, एक ठंडा हमर और एक नॉर्मल हमर में से कौन सी हमर ज्यादा मजबूत है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ठंडा हमर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों जैसे हाइड्रोलिक प्रेस अपनी दम लगाती है तो 290 टन वजन में हमर ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही साथ दीवार को भी तोड़ देती है। अब चलिए नॉर्मल हमर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। वैसे ज्यादातर काम नॉर्मल हमर से ही होता है और दोस्तों जैसे हाइड्रोलिक प्रेस की वजन नॉर्मल हमर पे पड़ती है तो 380 टन वजन में तूफान आ जाती है। आइए अब एक नॉर्मल हमर को गर्म करते हैं। जब तक हमर गर्म हो रही है तब तक इस चित्र में आपको कौन सी अंक दिखाई दे रही है कमेंट में बताएं। दोस्तों गर्म हमर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं तो पूरे 500 टन वजन में हमर दबती है।